Are you somebody who feels that you know a lot of things, you have read a lot of things, but when it comes to writing the answers, you're not able to structure your answers and you're not able to identify as to what you have to write and what you don't have to write? Then this particular video is for you. Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UPSC Commerce as well as Management Optional. Now, I have been speaking to a lot of students who have been telling me, who have just written their mains, UPSC mains in Management Optional as well as in Commerce Optional. That's a हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होते हैं, बट जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या चीज लिखनी है और क्या चीज नहीं लिखनी. सो व्हाट आई हैव डन टुडे इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो, दैट इज दिस पर्टिकुलर वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू डिकोड द क्वेश्चंस. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डिकोडिंग द क्वेश्चंस? इट मींस आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट कीवर्ड्स, जिसके बेसिस पे आपको ये पता चल पाएगा दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. कई बार क्या होता है, हमें बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ हम लिखना चाहते हैं और लिख भी सकते हैं, वी कैन राइट वंडरफुल आंसर्स, बट जस्ट बिकॉज हम क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस, वी आर नॉट एबल टू राइट गुड आंसर्स, वी आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. तो यहां पर मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, काफी सारे कीवर्ड्स लिए हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शन से उठाए हैं टू शो यू एज टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बेस्ड ऑन दोस कीवर्ड्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स हैव अ लुक एट दीज कीवर्ड्स फर्स्ट. पहले इन कीवर्ड्स को एक बार देख लेते हैं एंड देन प्रॉब्ली वी कैन गो अहेड एंड वी कैन हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम योर यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर. ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड जो मैंने पिक किया है, विच इज वेरी कॉमन, यू विल फाइंड दिस वेरी कॉमन इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, दैट इज डिस्कस. ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर वर्ड डिस्कस लिखा हो, इट आइदर स्टार्ट्स विद डिस्कस या फिर एक स्टेटमेंट के बाद डिस्कस वर्ड यूज किया हुआ हो, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, प्रोज एज वेल एज कॉन्स. इसका मतलब आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का, जो भी सब्जेक्ट मैटर आपसे पूछा हुआ है, उसके पॉजिटिव भी बताने हैं और उसके नेगेटिव भी बताने हैं, दोनों चीजें बतानी है. ठीक है, एंड द ओरिएंटेशन, योर वे ऑफ राइटिंग और वे ऑफ स्ट्रक्चराइजिंग द आंसर हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्कशन. किसी को भी पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि आप डिस्कशन कर रहे हो. जैसे आप कभी सुनते हो ना कि आपको डिबेट में बैठा दिया जाता है या आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो और यू आर लिसनिंग टू अ डिबेट. तो क्या होता है, एक पार्टी क्या कर रही होती है, अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रही होती है फॉर द टॉपिक, और एक पार्टी जो होती है वो अगेंस्ट द टॉपिक अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रही होती है. तो जब आप उस आंसर को फ्रेम आउट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर आउट कर रहे हैं, आपके दिमाग में वही ओरिएंटेशन चलती रहनी चाहिए कि भाई मुझे डिस्कशन करना है. ठीक है, तभी वो आंसर सही तरीके से निकल के आएगा. ठीक है, एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिया हुआ है जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड. डिस्कस वेदर द एडवर्टाइजमेंट इज अ सोशल वेस्ट. नाउ जब आप एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लोगों की अवेयरनेस नहीं होगी. वेयर एज जो लोग अगेंस्ट में आर्गुमेंट देना चाहते हैं वो क्या कहेंगे कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, बहुत ज्यादा हैवी एक्सपेंडिचर इनकर करोगे, तो अल्टीमेटली जो कंपनी होगी वो एडवर्टाइजमेंट का सारा जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर से ही रिकवर करने वाले हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जब आप एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर रहे हो या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो, आपको दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे. कुछ चार पांच आर्ग्यूमेंट्स आपको फॉर्म में बताने होंगे कि एडवर्टाइजमेंट को क्यों प्रमोट करना चाहिए या क्यों एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर इनकर करना चाहिए, एंड कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो अगेंस्ट में बात करने वाले. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन गो एट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अगली बार जब आप ये टर्म्स देखें तो आपको आइडेंटिफिकेशन होनी शुरू हो जानी चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर आंसर राइटिंग, देन आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तब आपको ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी फाइनल एग्जाम में इसी स्ट्रक्चर पे आंसर लिखने की. ठीक है, एक और टर्म देखते हैं, द टर्म डिस्क्राइब, वेरी कॉमन टर्म. अब जब भी एक टर्म डिस्क्राइब आता है तो हमें क्या करना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो भी कीवर्ड्स आपको गिवन है, जो भी थीम पूछी हुई है, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है. अब जब मैं डिटेल के बारे में बात करता हूं तो कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ पॉइंट्स को लिस्ट कर देते हैं. यू डू नॉट हैव टू जस्ट लिस्ट इट, आपको उन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, अच्छी तरीके से कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग रेलेवेंट एग्जांपल. लेट्स हैव अ लुक एट अ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज. अब आपको पता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, जहां पे आप इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स वगैरह देते हैं. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हो गए, जो एडिशनल पर्क्स होते हैं. लेट्स से आपने उनको कह दिया कि भाई आपको रिकॉग्निशन दिया जाएगा, आपको लोगों के सामने बुला के एक मोमेंटो ऑफर किया जाएगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. तो यहां पे बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में बताना है, एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब कि किस तरीके से ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं. प्रोबेबली यू कैन ब्रिंग इन सम मोटिवेशनल थ्योरीज हियर, जहां पे आप ये बता सकते हैं कि लोगों की एस्टीम नीड्स होती हैं.
ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स, उनकी एस्टीम नीड्स होती हैं। और जब आप लोगों को पब्लिक में बुला के रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है, अप्रिशिएट करते हो, ठीक है, लोगों के सामने प्रेज करते हो, तो उनको एक सेल्फ वर्थ की फीलिंग आती है, उनकी एस्टीम लेवल को अच्छा फील होता है, ठीक है, एंड दे गेट मोटिवेटेड टू डू मच बेटर वर्क एंड विद अ लॉट ऑफ मोर कमिटमेंट। ठीक है, तो प्रोबेबली इस डायरेक्शन में आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, बट डिटेल में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए अलॉन्ग विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, तीसरा कीवर्ड देखने, डिफरेंशिएट, वेरी कॉमन वर्ड, ये आपको हमेशा एक से दो क्वेश्चन आपको मैनेजमेंट ऑप्शनल में जरूर मिलेगा जो डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेगा, जहां पे आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो भी आप नोटिस करोगे कि ये वर्ड यूज किया गया था। यहां पे क्या करना है, डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर। अब मैं यहां पे एक कॉमन मिस्टेक बताता हूं जो एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। एक तरीका क्या है कि आपने टेबल बना ली, पहली बात तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप टैबुलेशन में इस क्वेश्चन को आंसर करें। सेकेंड तरीका क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, यू शुड ट्राई एंड गिव अ थर्ड कॉलम। एक कॉलम तो हो गया, लेट से दो टर्म्स हैं, ए टर्म बी टर्म, जिनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, एक थर्ड कॉलम भी आपको क्रिएट करना चाहिए जिसे हम कहते हैं बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। खुद सोच के देखिए कि जब एक एस्पिरेंट एक थर्ड कॉलम क्रिएट कर देता है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, जहां पे आपने कुछ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, कुछ पैरामीटर्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जिनके बेसिस पे आप क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, इट गिव्स अ वेरी वाइब्रेंट इमेज टू द एग्जामिनर कि दिस कैंडिडेट हैज अंडरस्टूड इट। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ दिमाग में आया और डिफरेंस बना के लिखना शुरू कर दिया, यू ऑलरेडी हैव पॉइंटर्स, यू ऑलरेडी हैव एलिमेंट जिसपे आप बिल्ड अपॉन करने की कोशिश कर रहे हो। तो दिस शुड बी अ राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, की एक बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बताया, फिर ए एलिमेंट लिखा, फिर बी एलिमेंट लिखा, एंड यू स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग देम विद अ लॉट ऑफ डिटेल एक्सप्लेनेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, आपको बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के बीच में डिफरेंस करना है। पहला बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या हो सकता है, मीनिंग, ठीक है, whether the consideration is paid or not। bonus shares में जैसे normally consideration नहीं pay करनी होती, और right shares में आपको pay करनी होती है। तो इस तरीके से चार पांच bullet points बना के आप basis of distinction बता सकते हैं, and then you can make a comparison between both these terms। ठीक है, that would be a right approach to answer such question। fourth term जो थोड़ा सा confusing लगता है students को, that is elucidate। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको इन terms के बीच में भी अंतर पता होना चाहिए कि किस term को आप दूसरे term से कैसे differentiate कर सकते हैं। For example, यहां पे देखते हैं, illustrate the argument with examples and reasons। अब यहां पे ध्यान दीजिए that how is the term elucidate different from discuss। जब हम discuss के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एक direction में move करने को नहीं कहा जा रहा, हमें pros and cons दोनों बताने हैं। But जब हम elucidate करने की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक choice लेनी होगी probably that whether we want to go in the for direction or we want to go in the against direction, और उसे हमें relevant example से supporting argument से justify करना होगा। For example, everything is fair in marketing in order to survive in the market, elucidate। तो यहां पे आपके सामने एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि हर चीज जायज है मार्केटिंग के अंदर, everything is can be done, anything can be done and everything can be done when you are doing marketing, जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, in order to survive in the market। ठीक है, अब यहां पे आपकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट यू हैव टू टेक अ कॉल whether you want to go in the forward direction or you have to go in the against direction। मेजरली यहां पे आप अगेंस्ट डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं, हर चीज फेयर नहीं होती है, यू कैन नॉट डू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग विच आर अनएथिकल इन नेचर और आर मॉरली इनकरेक्ट। ऐसा काम आपको नहीं करना है, स्पेसिफिकली एथिकल ओरिएंटेशन के बारे में बात करनी है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने अपना रीजन देना है दैट ओके वी डू नॉट बिलीव इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और वी डू नॉट अग्री टू दिस स्टेटमेंट। देन जो भी आपने अगेंस्ट में लेट से आपने एक स्टांस ले लिया है, आपको उस स्टांस को आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, अगर आपको कुछ डेटा फैक्ट्स मिल जाए, कुछ डेटा स्टैटिस्टिक्स मिल जाए, या जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपको मिल जाए, उसके बेसिस पे आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। बट ध्यान रखिए यहां पे आप दोनों डायमेंशन में नहीं मूव कर रहे हैं, यू आर टेकिंग अ स्टांस एंड यू आर गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, दैट कुड बी अ बेस्ट वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप चार टर्म्स क्लियर हो गए, और यहां पे मैंने मेजरली वही टर्म्स लिए हैं जो मुझे आपके पास्ट ईयर पेपर्स में नजर आए, ऐसे तो और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, एक और टर्म देखते हैं, एक और कीवर्ड देखते हैं, एनालाइज, वेरी कॉमन टर्म जो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलता है। ठीक है, क्या मतलब है, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन एक्सप्लेनिंग द कीवर्ड्स। एनालाइज का क्या मतलब है कि जो भी टर्म्स गिवन है, जो भी कीवर्ड्स गिवन है, उनको आपको डिटेल में एनालाइज करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, कभी भी एक सेगमेंट नहीं गिवन होता, दो कंसेप्ट्स गिवन होते हैं, एक कंसेप्ट का दूसरे क्वेश्चन पे एप्लीकेबिलिटी पूछी होती है या फिर लिंकेज पूछा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों एलिमेंट्स को पहले तो एक्सप्लेन करना है, एंड देन हमें उसके बीच का रिलेशनशिप को एनालाइज करना होगा, दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज हेल्ड बिटवीन दोज टू टर्म्स।
एक क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लैरिटी आएगी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज लिंक्ड टू द एलिमेंट्स ऑफ सीएसआर एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज. तो आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो सीएसआर और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लिंकेज रखता है या फिर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. अब देखिए यहां पे तीन कीवर्ड्स हैं व्हिच यू हैव टू आइडेंटिफाई. द फर्स्ट कीवर्ड इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द सेकंड कीवर्ड इज सीएसआर एंड द थर्ड कीवर्ड इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. तो स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सीएसआर से लिंक कर देते हैं, ठीक है, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लिंक करना भूल जाते हैं या प्रोबेबली उसको एक्सप्लेन नहीं करते. यहां पे आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पे वर्ड एनालाइज लिखा हुआ है, पहले आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक्सप्लेन करेंगे, देन आप सीएसआर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करेंगे. मतलब तीनों कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है. द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप लिंक करेंगे सीएसआर से और रीजन देंगे एनालाइज करते हुए कि आपको क्या लगता है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीएसआर से लिंक्ड है. सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लिंक करने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लिंक होता है कंपनीज के या फिर नहीं. तीनों पार्ट्स में से अगर आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया बिना एक्सप्लेन किए, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है. तो एनालाइज के अंदर आपको ये करना है. और अगर आपको लगता है कि नहीं रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता, लेट्स से यू बिलीव दैट देयर इज नो रिलेशन, तो आप वो आर्ग्यूमेंट उठाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप उस लिंकेज को एक्सप्लेन करेंगे विद रिलेवेंट एग्जांपल्स. एग्जांपल्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब आप एग्जांपल देते हैं या जब आप डेटा पॉइंट्स देते हैं या जब आप स्टैटिस्टिक्स देते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को बैक करने के लिए, यू आर प्रोवाइडिंग अ सॉलिड जस्टिफिकेशन टू योर आर्ग्यूमेंट. वरना क्या होता है, यू आर जस्ट गिविंग अ जस्टिफिकेशन, जस्ट गिविंग अ आर्ग्यूमेंट विदाउट गिविंग देयर एप्लीकेशन और एग्जांपल्स, ठीक है. तो वो सॉलिडिफाई नहीं कर पाता आपके उन आर्ग्यूमेंट्स को, तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate. अब यहां मैं देखता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स कुछ सबसे ज्यादा गलती करते हैं, that they go ahead and they start giving their opinion. आपको आपका ओपिनियन नहीं देना है, ठीक है. जीएस वाले पेपर्स में ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड होते हैं. यहां पे आपको ओपिनियन नहीं देना है, यहां पे आपको reasons देने हैं backed by certain facts या फिर backed by certain justification. For example, आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, evaluate whether CSR norms in India have led to any improvement in the initiative by large companies. This is a question from GBI, Government Business Interface का question है, CSR topic से. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि CSR norms की क्या relevance है, ठीक है. CSR norms की क्या relevance है, अगर आपको पता हो Companies Act के अंदर एक section insert किया गया था जहां ये बात करी गई थी कि भाई जो भी companies का profit जो है 5 करोड़ रुपीज से ज्यादा हो जाएगा, टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी, नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, उनको अपने पास 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसका 2% जो है सीएसआर फंड में डालना होगा और कंट्रीब्यूट करना होगा. इस नॉर्म के बारे में बात हो रही है, यहां पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है वेदर सीएसआर नॉर्म्स. अब लेट सपोज कि आपको सीएसआर नॉर्म्स के बारे में पता ही नहीं है, सो यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, वरना आप क्या करेंगे, हाफ बेक्ड आंसर लिखेंगे. तो यहां पे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बताना है कि भाई सीएसआर नॉर्म्स क्या थे, या ब्रीफली बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके, एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट, देन यू हैव टू इवैल्यूएट कि क्या सच में इन सीएसआर नॉर्म्स से कुछ फायदा हुआ है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं ऐसे या कुछ स्टडीज ऐसे हैं या कुछ एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज ऐसे हैं जो इस बात को जस्टिफाई करती हैं कि हाँ लोगों ने 2% से ज्यादा स्पेंड करना खर्च करना शुरू किया या फिर और अच्छे इनिशिएटिव्स लेने शुरू कर दिए. फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ एग्जांपल्स पता हो कि रतन टाटा जी जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं और टाटा इज वन सच कंपनी जिसका कंट्रीब्यूशन जो 2% से बहुत ज्यादा है. इसी तरीके से और भी बहुत सारी लार्ज कंपनीज है जिन्होंने बहुत से मिड डे मील प्रोग्राम्स, स्कूल खोलना, कोविड के टाइम पे बेड्स अरेंज करना, इस तरीके के बहुत सारे सीएसआर लेड इनिशिएटिव शुरू कर दिए थे आफ्टर द इंसर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीएसआर नॉर्म. कि अब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, वी वॉन्ट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द सोसाइटी, वी वॉन्ट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेट्स स्टार्ट टेकिंग सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव. तो उन इनिशिएटिव्स के बारे में आपको यहां पे डिटेल में बात करनी होगी एंड बताना होगा, इवैल्यूएट करना होगा कि क्या सच में कुछ फायदा हुआ है या फिर नहीं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट कीवर्ड इज कमेंट. ये भी आपको मिल जाता है, एक स्टेटमेंट गिवन होता है और उसके बाद में लिखा होता है कमेंट. तो यहां पे आपको क्या करना है, रिक्वायर्स एन ओपिनियन बट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स और सम डेटा पॉइंट. जब आप कमेंट पूछ रहे हैं तो यहां पे एक्चुअली आपको अपना ओपिनियन देना है, ठीक है. आपको अपना ओपिनियन देना है, बट वो रैंडम ओपिनियन नहीं हो सकता. मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ख्याल ऐसा आ रहा है या मेरा मन ऐसा कर रहा है इसलिए मैं ये ओपिनियन देना चाहता हूं. आपके पास डेटा पॉइंट्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि भाई लिटरेसी लेवल जो है लास्ट 10 ईयर्स में 20% बढ़ी है या लास्ट 10 ईयर्स में लिटरेसी लेवल हैज सर्टेनली इंप्रूव्ड, तो मुझे सेंसस सर्वे या जो भी स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो
रिकॉर्ड कीपिंग करके डेटा पॉइंट्स निकाल के स्टैटिस्टिक्स देते हैं कि हाँ भाई 2010 में इतना था लिटरेसी रेट और अब 2021 में 2020 में सो एंड सो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट हैज इंक्रीज. तो आपको वो स्टैटिस्टिक्स देनी होगी वहां पे अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए. अगर आप सिर्फ ओपिनियन दे देंगे विदाउट जस्टिफाइंग इट विद स्टैटिस्टिक्स, विदाउट जस्टिफाइंग इट विद एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट, उस ओपिनियन की स्टैंड अलोन कोई भी वैल्यू नहीं है और वहां पे मार्क्स डिडक्ट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, कमेंट अपॉन द रोल ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स इन इंप्रूविंग द डिसीजन मेकिंग ऑन कॉर्पोरेट बोर्ड्स. और एग्जामिनर्स को बहुत अच्छा लगता है जब आप चीजों को लिंक कर पाते हैं. अब आप खुद सोचो यहां पे बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों डाला गया, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन डाला गया था जहां पे एक मैंडेटरी प्रोविजन लाया गया एंड इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग कि आपको अपने बोर्ड के ऊपर सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज, ठीक है, जहां पे जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपीज से ज्यादा है और जो टर्नओवर है वो 300 करोड़ रुपीज से ज्यादा है, उन लोगों को एक विमेन मैंडेटरी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड करना जरूरी था. इस प्रोविजन के बारे में बात हो रही है तो अगर आप दो लाइन में ये प्रोविजन बताएंगे द एग्जामिनर इज गोइंग टू बी इंप्रेस्ड कि हाँ इसको पता है, सिर्फ रैंडमली बात नहीं कर रहा है. तो दो लाइनें आपने बता दी एंड देन यू टॉक अबाउट दैट ओके आई फील दैट दे हैव मेड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन इंप्रूविंग द डिसीजन मेकिंग प्रोबेबली बिकॉज जब वुमेन बैठती हैं तो लोगों का पर्सपेक्टिव बदल जाता है. ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जब वुमेन बैठती हैं तो वो अलग अलग डायमेंशंस लेके आती हैं, दे प्रोवाइड मच मोर स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस, उनका जो बिहेवियर का तरीका होता है, सिचुएशंस को डील करने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है. फॉर एग्जांपल एक स्टडी कहती है, एक रिसर्च स्टडी कहती है कि जो वुमेन होती हैं दे आर मोर व्हाट यू से रिस्क लवर्स देन मेल्स. ठीक है, बिकॉज प्रोबेबली मेल्स की ओरिएंटेशन ऐसी हुई है कि उनको फैमिली देखनी है, फैमिली संभालना है, तो वो थोड़े से रिस्क एवर्स हो जाते हैं, बट वुमेन आर रिस्क लवर्स. तो इस तरीके के कुछ डेटा पॉइंट्स, जो भी आप ओपिनियन दे रहे हैं, व्हाटएवर इज योर ओपिनियन, उसको आपको स्टैटिस्टिक्स और डेटा पॉइंट्स से जस्टिफाई करना होगा एंड देन ओनली यू कैन गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर आंसर. दो ओपिनियन देना है but backed by statistics and data points. Last but not the least, very common, the most common term I would say, इससे common term आपको मिलेगा इन्हीं question के अंदर, explain. जब term explain आता है तो आपको more or less इन दो तीन keywords को answer करने की कोशिश करनी है. One keyword is what? What is the concept we are talking about? Why has that concept come up? Why that particular theme or theory has come up? And how it has come up? तो कोशिश करिए कि इन तीन keywords को आप explain के अंदर answer करने की कोशिश करिए और majority आपका जो आंसर है वो इलैबोरेट होके कॉम्प्रहेंसिव आंसर बन जाएगा. फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ पेओल. पेओल के प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है तो सबसे पहले बताना है भाई व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स, व्हाई हैव दे कम अप, पेओल ने क्यों ये प्रिंसिपल्स लाए थे, व्हाट वाज द रेलेवेंस एंड हाउ आर दे मेकिंग अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. लेट्स से व्हाई जो एलिमेंट था वो ये था कि भाई आपको कोशिश करनी थी कि भाई एफिशिएंसी अचीव हो जाए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव हो जाए, जो काम है वो और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाए. नाउ हाउ हैव दीज प्रिंसिपल्स ऑफ फेओल हेल्प देम. ठीक है, और व्हाट पे क्या बताना है, उन प्रिंसिपल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है. 14 प्रिंसिपल्स थे फेओल के, कुछ 4-5 एक्सप्लेन कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स और वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर को लिख सकते हैं. तो ये तीनों एलिमेंट्स आपको, तीनों कॉम्पोनेंट जो है वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे व्हेन द वर्ड इज गिवन एज एक्सप्लेन. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 7-8 कीवर्ड्स मैंने आपके सामने लिए हैं. इस तरीके से और कीवर्ड्स हो सकते हैं बट आई बिलीव बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस इन 7-8 वर्ड्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कीवर्ड्स आपके कवर हो गए जो आपको डिकोड करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट गो अ लिटिल मोर राइट, थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम योर यूपीएससी 2022 मैनेजमेंट ऑप्शन. अभी जो आपका एग्जाम कंक्लूड हुआ है 25th ऑफ सितंबर को, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप थोड़ा रिलेट भी कर पाएं दैट व्हाट हैव यू रिटन एंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्रप्रेन्योर. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंशिएट करना है, डिटेल कंपैरिजन. तो इसमें अगर आपने बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बनाया था और उसके बाद डिफरेंशिएट किया था, यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स. और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए बिटवीन द कंपैरिजन बिटवीन entrepreneur and intrapreneur. ठीक है, so that was the first question. Second question है, explain the rationale behind companies providing benefits to the employees. Explain how what are these benefits? Why are the companies providing it? How is it contributing towards motivating the employees? Or how is it making a contribution towards benefiting the organization? किस तरीके से benefit हो रहा है, क्या rationale है? वो तीनों के तेरे component जहां पे आपको answer करने होते हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें, चेंज और डाई इज द रैलिंग क्राई अमंगस्ट टुडेज मैनेजर्स. ठीक है, कि या तो आप चेंज होइए सिचुएशन के हिसाब से बिकॉज द मार्केट इज वेरी वेरी डायनेमिक, और यू हैव टू डाई. डाई मींस नॉट, डजंट मीन लिटरली डाई, बेसिकली मींस यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. ठीक है, ये आपके सामने एक स्टेटमेंट गिवन है. फिर क्या गिवन है,
enumerate मतलब लिस्ट करना, and explain the three approaches to managing organizational change. Again, explain given है, तो आपको इन तीन approaches के बारे में बताना था, what are the relevance of three approaches and how are they going to make a valuable contribution towards firms, enabling firms in handling or managing organizational change in the environment or per se within the organization. तो explain term आ गया है, enumerate term आ गया है, तो उसके accordingly आपको question को answer कर देना था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लीकेट. अब देखिए यहां पे कई स्टूडेंट्स ट्रिक हो गए होंगे अगर उनको एक्सप्लीकेट का मतलब नहीं पता होगा. एक्सप्लीकेट का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्सप्लेन इन डिटेल होता है. तो इस एक्सप्लीकेट वर्ड को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद द वर्ड एक्सप्लेन. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो दो पार्ट है, पहले आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट ऑफ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जहां पे भाई व्हाट हाउ व्हाई आप आंसर करेंगे. उसके बाद आपको क्या करना है और उसकी एप्लीकेबिलिटी बतानी है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर, कि किस तरीके से कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो सीआरएम में हेल्प करता है. आइडियली अगर मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूं तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या रोल होता है कि वो कस्टमर से अच्छा रिलेशन बना के रखता है. आपने कई बार देखा होगा कि किसी बैंक में आप एंटर करते हैं, आप घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, ठीक है, और वेरस कोई दूसरा आदमी आता है वो सीधा आके मैनेजर के रूम में घुस जाता है और अपना काम करके 5 मिनट बाद चला जाता है, उसको चाय कॉफी सब कुछ ऑफर की जाती है. वाई? बिकॉज उसका जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होगा, जितना वो कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना वो बिजनेस, जितना वो रेवेन्यू लाके दे रहा होगा बैंक को, वो बहुत ज्यादा होगा. तो इसीलिए उसका सीआरएम का जो ट्रीटमेंट होता है, जो उसका रिलेशनशिप का ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है, बहुत प्रेफरेंशियल होता है. सो आई थिंक दैट कुड बी वन एग्जाम्पल जिसको आप रिलेट कर सकते थे लिंकिंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू विद सीआरएम. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टुवर्ड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. क्रिटिकली एग्जामिन का क्या मतलब है, दोनों चीजों के बारे में बात होगी. पहले आप कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बताओगे, फिर आप बताओगे कि क्या ये जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए थे, व्हाट हैज बीन द फेवरेबल पार्ट, किस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, और किस तरीके से वो somehow जितना expected था उनसे, जितना successful वो हो सकते थे, उतना expectation fulfill नहीं हो पाई, they have not been much fruitful. तो basically वहाँ पे कुछ pitfalls के बारे में बता सकते हो, but critically evaluate करना है तो हम दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, pros के बारे में भी और cons के बारे में भी, और critical review देना है कि उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है. इन questions के अंदर, ऐसे questions के अंदर आपको last में एक summary जरूर देनी चाहिए, जहाँ पे आप बात करें that what could be some basic measures that could be undertaken by the government to improve these initiatives for the welfare of the society as well as community at large. वो एक final takeaway आपका हो सकता है, because it has been asked to critically examine. ठीक है, critically examine करके छोड़ना नहीं है, एक positive outlook भी last में देना पड़ेगा. ठीक है, so that was all about this particular lecture. I hope this lecture would have been fruitful. ठीक है, और ऐसे lectures जो हैं वो आपको एक broad idea देंगे कि आपको wait नहीं करना है कि सिलेबस खत्म हो जाए, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग. जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे ही आपको लगता है कि आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, या फिर लेट्स से 50% ऑफ द सिलेबस हैज गॉन फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्टार्ट विद आंसर राइटिंग. 7 से 8 आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करिए. इनिशियली 10-20 आंसर्स आपके अच्छे नहीं आएंगे, बट सूनर और लेटर यू विल रियलाइज इफ यू आर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम योर मेंटर्स या जो भी सीनियर्स है जिनकी गाइडेंस में आप लिख रहे हैं आंसर्स, उनके फीडबैक से, आपकी मेहनत की वजह से कुछ टाइम बाद आपको लगातार आपके आंसर्स में क्वालिटी इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, एंड दैट शुड बी द एम. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो. नाउ बिफोर आई एंड, आई वुड जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव अनदर डेडिकेटेड चैनल स्पेसिफिकली टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दैट इज यूपीएससी पीडिया बाय अनुज जिंदल. तो प्लीज उस चैनल को जाके जरूर चेक करिएगा, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज वहां पे वी प्रोवाइड वेरी डेडिकेटेड subject related contents and other relevant videos with respect to commerce as well as management options. Okay, if you want to inquire about the course, you can call us on the number 9999466225 or you can visit our website anujindal.in. agar aap email karna chahte hain to aap email bhi kar sakte hain, that is info@anujindal.in. so that was all about this particular lecture. If you think that I have helped you in any form, please do hit the like button, do subscribe to the channel, and if you have any doubt, you can let me know in the comment section. Okay, chalo, take care, bye bye, and keep preparing. All the very best.